फ्रेंड्स, तो ज्योति क्रिएशन आपके साथ शेयर कर रहा है कुछ मजेदार गेम आइडिया। यस, आज जो मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, 4 गेम, किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई भी एक्टिविटी हो या पंचुअलिटी में आप खिलाना चाह रहे हैं, लकी, सरप्राइज, इसमें सब ऐड है। तो कैसे खिलाने हैं ये मजेदार गेम आइडिया और अपने फ्रेंड्स को इंजॉय कराना है, तो आपको गेम खेलने के लिए चाहिए ये जो काउंटर्स होते हैं हमारे हाउसी के, सिर्फ ये लेने हैं और एक बाउल में मिक्स कॉइन्स लेने हैं जिसमें 1, 2 हमारा 10 का एंड 5 का। तो इस तरह से मैंने एक बाउल में काउंटर्स लिए हुए हैं और एक बाउल में कॉइन्स। आपको बस ये 2 चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नो प्रिपरेशन और फुल मस्ती ही मस्ती। तो कैसे करानी है फ्रेंड्स को ये मस्ती, तो आपको क्या करना है, काउंटर्स लेने हैं और काउंटर्स जो लिए हुए हैं वो मैंने 1 से 60 तक के इनफ हैं हमारे इस बाउल में, 71 से 90 तक के बाहर निकाल दिए हैं, तो 1 से 60 तक के ओनली हमने काउंटर्स लिए हैं। आपको क्या है, इसमें टाइम लिमिट कुछ नहीं है कोई से भी गेम में। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये काउंटर्स वाला गेम। तो इसमें आपको क्या करना है, मेम्बर्स से बोलना है, यहाँ मैंने एक पेपर पर 15 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, वो इसलिए कि हमें 15 काउंटर्स निकालने हैं, तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, मेम्बर्स को ईजीली रहेगा। तो उन्होंने क्या करना है, बैक साइड से ऐसे काउंटर्स बिना देखे इस बाउल में से उल्टे लगा देने हैं, यहाँ पर हम उल्टे लगा देने हैं और इस सर्कल को कवर कर देंगे। तो समझिए हमारे ये 15 काउंटर्स उठा लिए हैं हमने यहाँ पर, ये हो गए हमारे 15 पूरे टोटल काउंटर्स हैं। मैंने इसलिए ही सर्कल ड्रॉ करे हैं ताकि मेंबर्स को इजी रहे निकालने में, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करना है, पार्टी होस्ट एक नंबर चूज़ कराएगा, जैसे कि उससे बोलेगा कि मैं यहाँ चूज़ करती हूँ 6। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब मैंने 6 चूज़ करा है तो मैं ये 1 1 वाई खोलूँगी और जिस भी मैं आगे या पीछे 6 नंबर्स होगा उन्हें कर लूँगी मैं साइड में। तो इस तरह से ये 9 6 5 3, एक और 6 आ गया, 6, एक और 6। तो यहाँ जो मेरे 6 आए हुए हैं, यदि 66 होगा तो वो 2 काउंट होंगे क्योंकि उसमें 2 6 होंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, यहाँ मेरे 5 पॉइंट्स हो गए। तो इसको पंचुअलिटी में आप खिलाइए, लक के रूप में खिलाइए। यहाँ इस तरह से आपको ये फर्स्ट गेम खिलाना है, सिर्फ हमें काउंटर्स उठवाने हैं 15 और एक नंबर चूज़ कराना है 1 से 90 तक का, जो भी मेंबर्स और जितने भी उसमें नंबर्स होंगे, डिजिट 9 डिजिट होंगी, वो काउंट हो जाएंगी और उसे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन मेंबर्स इस गेम का विनर है। सेकेंड गेम खेलने के लिए क्या करना है, हमें 1 बाई 1 मेंबर्स आएंगे, उन्होंने आपने 1 मिनट का टाइम दे देना है। जैसे कि 1 मिनट का आपने टाइम दिया तो उन्होंने 1 1 इसमें से ये उठाने नंबर्स, जैसे कि यहाँ आया मेरा 6, तो यहाँ पे उन्होंने क्या करना है, 6 रुपये लेने हैं 1 एंड 5 का और उसके ऊपर रख देना है ये। फिर हम नेक्स्ट उठाना है 1 मिनट तक, जैसे 3 एंड 1 31, तो अब 31 को कैसे निकालना है हमें, 3 2 एंड 1 3 1, 3 हो गया एंड फिर 1 का, तो ये हमारे हो गया 3 एंड 1 31 और इसके ऊपर रख देंगे हम ये काउंटर। इस तरह से जो सबसे ज़्यादा बना लेगा पेयर, जैसे कि ओनली नंबर 5, जो सिंगल नंबर आते हैं वो हमारे लकी हो जाते हैं क्योंकि वो इजीली बन जाते हैं। 4 एंड 7 47, अब 47 में हमें क्या करना है, 2 एंड 2 एंड 5 एंड ये 2, तो 4 एंड 7 47, ये हमारा इस वाले का हो गया, इसलिए हम कॉइंस कॉइंस के साथ ही रखते जा रहे हैं ताकि, अब जैसे 30 30, तो 30 में हम ओनली 3 कॉइंस रखेंगे, 0 पे हम कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, अब हमारा 5 1 51, तो 5 का आ गया और हमारा यहाँ आ गया ये 1 का कॉइन। तो इस तरह से हमने ये 5 1 51 की अमाउंट्स रखे हैं। तो इस तरह से ये गेम खिलाना है और जो सबसे ज़्यादा कॉइन्स विद ये काउंटर्स रख लेगा वही इस गेम का विनर बन जाएगा। तो फिर चलते हैं और आगे वाले गेम की साइड। हमारे थर्ड गेम खेलने के लिए हमें चाहिए सिर्फ काउंटर्स। कैसे खिलाना है, आपको क्या करना है, बिना देखे मेंबर से बोलना है इसमें से 12 काउंटर्स वो निकाल लें, 3 3 6 9 10 11 एंड 12, यहाँ मैं 12 काउंटर्स ये निकाल चुकी हूँ। तो मेंबर्स इस तरह से 12 काउंटर्स निकालेंगे, इसमें टाइम लिमिट नहीं है, इसमें हमें टाइम चेक करना है कि ये वाला जो टास्क है मेंबर्स ने कितने सेकेंड या कितने मिनट में कंप्लीट करा, तो वो आप नोट करते जाएंगे और जो सबसे ज़्यादा कम समय में ये टास्क कंप्लीट करेगा वही इस गेम का विनर बन जाएगा। तो कैसे कराना है, जैसे अब 12 ले लिए, अब 12 के बाद मेंबर्स 1 बाई 1 लेगा यहाँ से और वो अरेंज करेगा, जैसे 15 है तो 31
51 इन वाले काउंटर्स को भी आप बैक साइड से भी रखवा सकते हैं, क्योंकि उसमें लगाने में थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगेगा। जैसे 49 आया मेरा, आप देखिए यहाँ 51 है, 32, तो मुझे 32 यहाँ रखना पड़ेगा, लाइन से लगाने हैं। 65 7 37 14 10 एंड 27 एंड लास्ट इज 53। तो इस तरह से ये मैंने पूरे 12 जो काउंटर्स हैं वो एक लाइन में लगा दिए हैं क्यू में, बट मैंने कितना टाइम यूज़ करा है वो हमें चेक करना है और पेपर पे लिख लेना है, और जो सबसे कम समय में इस तरह से लगा लेगा 12 काउंटर्स को वही क्या बन जाएगा इस गेम का विनर। चलते हैं हमारा नेक्स्ट गेम की साइड। तो फोर्थ गेम खेलने के लिए हमें चाहिए काउंटर्स और कॉइन्स। तो कैसे खेलना है, आप 1 मिनट का इसमें टाइम देंगे, इसमें टाइम देने के बाद 1 बाई 1 मेंबर्स आएंगे और उन्होंने ये उठाने हैं। उठाने के बाद जैसे कि उनका आया 64, तो 64 में क्या करना है, 6 एंड 4 प्लस कर देना है। 64 में आ जाएगा 6 एंड 4 10, तो यहाँ उन्होंने 10 का कॉइन लेना है और रख देना है। फिर आया नेक्स्ट हमारा 3 4 3 4, तो 3 4 कितना हो गया 7, तो 5 एंड 2 एंड 3 एंड, तो इस तरह से मेंबर्स अपने काउंटर्स को कॉइन्स के ऊपर ही रखते चले जाएंगे। उससे क्या है कि मेंबर्स वो जब पार्टी हो चेक करेगा तो उसको इजी रहेगा। 3 एंड 1 4, तो 1 मिनट तक जो सबसे जैसे 3 एंड 0, तो ओनली इसमें हमें क्या रखने हैं 3 रुपीज़। आप चाहें तो इसमें से टेनर्स निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टेनर्स को ही कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, तो इसलिए उसे निकाल भी सकते हैं काउंटर्स को। 1 एंड 4 1 एंड 4 5, तो 5 का कॉइन्स रखना है और इस तरह से प्लस करते जाना है हमें दोनों डिजिट, दोनों जो हमारी डिजिट है 3 एंड 3 6, तो 3 एंड 8 6, तो इस तरह से। और जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स काउंटर्स और कॉइन्स लगा लेगा वो ही क्या बन जाएगा इस लकी गेम का विनर। तो इस तरह से ये 4 गेम आइडिया मैंने आपके साथ शेयर करा है, आपको जो अच्छा लगे अपनी पार्टी में खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा गेम आइडिया। फिर मिलते हैं और मज़ेदार गेम आइडिया के साथ, ज्योति क्रिएशन के साथ।